मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के मित्तल ग्राउंड के पास यहां पर पहले कचरा रोड के किनारे जो डाला जाता था, एमआईएम पार्टी के विरोध करने के बाद यहां से ये कचरा हटाया गया और इस तरीके से यहां पर गार्डन बनाया गया था। लेकिन अब देखेंगे कि एक बार फिर वहीं पर कचरा रोड के किनारे डाला जा रहा है और इसका जो है लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर जब दोबारा कचरा आखिर क्यों डाला जा रहा है। और जो ये गार्डन बनाया गया था इसकी भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। कचरा डालने को लेकर जो है शहर के लोग काफ़ी एतराज़ जता रहे हैं और देखेंगे आप कि बड़े बड़े डंपर यहाँ पर रोड के किनारे खड़े हुए हैं और वहाँ पर यहाँ से रोड के कचरा जो है यहाँ पर लाकर डंप किया जा रहा है, उसके बाद बड़ी गाड़ियों से उठाकर कचरा लेकर जाया जा रहा है। यानी कि मुमरा शहर में देखेंगे आप तो किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है। चाहे वो ट्रैफिक जाम की बात करें तो कोई भी कांस्टेबल हवलदार आपको मिलेगा नहीं। और इसी तरह से जो कचरा डालने का जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें जहाँ जहाँ चिन्हित किया गया होगा कॉन्ट्रैक्ट में कि आप कहाँ कहाँ कचरा डालेंगे, तो ऐसे में मुमरा शहर के सड़कों पर जो कचरा अब दोबारा फिर डाला जा रहा है इस पर लोग काफ़ी एतराज़ जता रहे हैं। यहाँ से कचरा ये हटवाया गया था, आपको देखेंगे पहले ये पूरा जो एरिया था यहाँ पर कचरा डाला जाता था लेकिन उसके बाद हटाया गया, फिर छोटा सा एक गार्डन बनाया गया, यहाँ पर पार्किंग बन गई। लेकिन अब 4-5 दिन से लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर कचरा दोबारा रोड के किनारे डाल दिया जा रहा है और इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कचरा रोड के किनारे क्यों डाला जा रहा है। बाबू भाई, आप लोग यहाँ से कचरा हटा दिए थे तो फिर क्यों दोबारा डाल रहे कचरा यहाँ पर? हमारे को म्यूनसिपाली ने अंदर जगह दी थी, वहाँ कुछ मसला होने की वजह से हम तक 2-4 दिन यहाँ पे डालने को बोला है और 2 बजे के अंदर हम लोग पूरा कचरा साफ करके पाउडर मार के जाते हैं। क्या मसला क्या हुआ ऐसा कि वहाँ पर आपको कचरा नहीं डालने दिया जा रहा है? वहाँ जो म्यूनसिपाली ने जो जगह दी थी, जो वो मित्तल वाले ने जो जगह म्यूनसिपाली को दी, वो जगह का कुछ मसला हुआ और उसके बाद में हमने जो सागर साहू के साथ उनसे मुलाकात की, तो साहू के साथ बोले कि 2-4 दिन में अपना जो है वही चालू हो जाएगा, मगर फिलहाल ये सब मुमरा का कचरा है, कचरा तो उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग 2 बजे के अंदर पूरा कचरा साफ करके यहाँ पे एक कचरे के कागज भी नहीं रखते हैं। आखिर ये आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मनपा से क्यों नहीं बात करते कि हमें एक पर्याप्त जगह दी जाए, हम कचरा वहीं पर डालें? आप लोग रोड के किनारे लाके कचरा डाल देते हैं, शहर से कचरा उठाए रोड पे लाके डाले, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखेंगे कि रोड पे आकर खड़ी होती है, ट्रैफिक का इशू भी हो रहा है, आने जाने वाले लोग जो है बदबू से परेशान हो रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, मतलब क्या ये हमेशा जो है यहाँ पर विरोध हो तभी ये हटेगा? विरोध होने खत्म होने के बाद फिर ऐसे दोबारा आ जाएगा ये? हालांकि ये जो कचरा है, ये जो कचरा है हम 2 बजे के अंदर उठाते हैं और ये 2-4 दिन में कचरा बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, पक्का बोल रहे? हमको म्यूनसिपाली ने ऐसा आश्वासन दिया कि 2-4 दिन के अंदर ये अंदर वही हमारा काम। अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ से एक बार हटाया गया दोबारा डाला जा रहा है ये सही है या गलत है? नहीं, फिलहाल मुमरा का कचरा है तो मुमरा में ही रहेगा, शहर में ही रहेगा, है ना? मुमरा का कचरा है तो मुमरा की सड़कों पर फैला दो। भाई लोग का जो कचरा है, अगर कचरा उठाएंगे नहीं तो फिर पूरे मुमरा में ये हो जाएगा। नहीं, मुमरा का कचरा है तो मुमरा की सड़कों पर फैला दो, है ना? सड़कों पर फैलाने का नहीं, सड़कों पर एक साइड में जमा करके हम लोग बड़ी गाड़ियाँ खड़ी है। मतलब कोई सिस्टम वगैरह है मुमरा में या नहीं है? सिस्टम से ही काम चला ये कि सिस्टम यही है कि एक बार उठाओ दोबारा लाके फिर रोड पे पटक दो? नहीं, ऐसा हमने देखा, अभी इतना दिन बंद हुआ था मगर एक मसला होने की वजह से 2-4 दिन के लिए हमको बोला है, 2-4 दिन में हम लोग ये ख़त्म कर डालेंगे। और हालांकि मुमरा में 2 बजे के बाद मेरे को इतना भी कचरा दिखाओ जो बोलो मैं हारूंगा। 2 बजे पाउडर मार के दवा मार के हम लोग निकल जाते हैं, अगर कचरा नहीं उठाएंगे तो पूरा मुमरा में कचरा कचरा हो जाएगा, यह हमारी जवाबदारी है। मगर म्यूनसिपाली ने जगह देनी चाहिए और म्यूनसिपाली के साथ लोग ने हमको 2-4 दिन में जगह देने का बात किया है तो हम जल्दी ये कदम कर डालेंगे। हालांकि मुमरा के भाई बहनों को थोड़ा तकलीफ होता रहेगा। अरे थोड़ा थोड़ा करके तकलीफ, तुम लोगों को बीमार कर दे रहे ना? नहीं, ये देखो लोगों को नाक बंद करके आना जाना पड़ रहा है। अभी हम लोग तो रात दिन खड़े हैं, क्या है ये तो अल्लाह का है, चल रहा है, मगर हम लोग जल्दी से जल्दी ये बंद कर देंगे 2-4 दिन में।
जावेद भाई आप भी यहाँ पहुँच गए, अभी आप देखिए 3 दिन से कचरा यहाँ पर डाला जा रहा है। अब 2 दिन पहले जो है हमने, अभी आप मीडिया को देखे यहाँ कवर करते हुए पहुँच गए। नहीं नहीं हम इसके पहले गए थे, ये कार्रवाई करने के लिए हमने यहाँ पे लेटर आए, जितने इलीगल तरीके से काम है उसमें कार्रवाई करने का कमिश्नर ने दिया है। हम कार्रवाई वाले के पास गए कि ये कचरा नहीं हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, नहीं ये बोलते नहीं हटाने, हमारे शहर का कचरा है। साहेब पठान हमने जो है जुमा के दिन सहायक आयुक्त को मिले कि ये कचरा क्यों डाला जा रहा है, तो एक दो दिन के लिए वही ही बात ये लोग भी बोल रहे हैं, एक दो दिन, 4 दिन हो गया, 4 दिन नहीं, हम नहीं चाहिए, हम FIR की मांग करेंगे। हम आज जा रहे हैं कमिश्नर के पास, हमारी पूरी टीम लेके ये कचरा जब यहाँ हटाया गया फिर डाला जा क्यों रहा, इसमें भी कोई ना कोई बहुत बड़ा राज है। अरे मत, ये हम सुबह से आज नहीं जुमा के दिन से ही लगे साहेब पठान, हमने इसकी तकरार भी कर चुके, लेकिन आज कमिश्नर को हम लेके जा रहे हैं। वो खेल के मैदान जहाँ पर दिया जा रहा है वहाँ पर गेट सुनने आ रहा है कि बंद कर दिया गया है। आप बाबू भाई खेल का मैदान जहाँ दिया जा रहा है उसके पीछे आप लोग की गाड़ी नहीं जा पा रही, सुनने आ रहा है गेट बंद कर दिया गया है। हाँ वही जो मसला आपको मैंने अभी बताया, तो क्यों गेट बंद कर दिया गया, वजह क्या थी ऐसा? वो जो म्युनिसिपैलिटी को जगह दी है, म्युनिसिपैलिटी ने आप बता रहे कि आधिकारिक तौर पर वो जगह दी गई थी ना, हाँ तो फिर गेट बंद कर दिए, फिर क्यों ऐसा हुआ? तो वही जो मसला है 2-3 दिन में खत्म हो जाने वाला है और हम लोग कोई अपने पुराने जगह पे जाने वाले, हालांकि सभी लोग कोऑपरेट करते हैं, मीडिया वाले भी कोऑपरेट करते हैं, मगर आपके सामने सब, लेकिन कितना आपका समर्थन करेंगे आप लोग जब ऐसे करोगे कि आज उठाए फिर लाके कल रख दोगे, तो कितना कोई समर्थन करेगा? करेगा कौन, ये करना अपनी जवाबदारी, हमारी जवाबदारी है और ये 2 बजे के अंदर खत्म हो जाएगा। 2:05 को आप आके देखेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे, पाउडर मांगे बात 2:05 और 3:05 की नहीं है, यहाँ कचरा डालना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 2-4 दिन की बात है, हम बोले आपको किसके आदेश से आपने डाले, आए आदेश ये हाई कोर्ट का आदेश तो हटा दो, हमारे पास हाई कोर्ट, हम जाएंगे आज कमिश्नर को बोलेंगे, हमारे आपसे कोई तकरार नहीं, आप जो बोल रहे हैं कचरा मुमरा शहर का है, तो मुमरा के लोग जो है पैसा भर रहे हैं, मुमरा के लोग टैक्स भर रहे हैं, ये प्राइवेट दिया गया, प्राइवेट कंपनी इसको कहीं रखे उसकी जवाबदारी है, शहर के अंदर गंदगी रखना नहीं है। अगर आप एक कंडक्टर हैं, आप बोल रहे हैं कि हमने यहाँ 2-3 दिन के लिए डालने का, आपको कोई लेटर दिया गया है क्या, किया 2-3 दिन के, अगर दिया है तो पता कौन अधिकारी दिया है, लेटर दिया है क्या रोड पे डालने के लिए कचरा? खिलाफ जो है हमें म्युनिसिपैलिटी ने जगह देने का वादा किया है, जगह नहीं अभी यहाँ पर कुछ परमिशन लेटर वगैरह दिए क्या डालने का, ये कचरा डालने का, तो फिर ऐसे क्यों फिर लाए कचरा यहाँ पे, हमारा पुराना जगह है। अरे पुराना जगह कैसे है ये आपका? अच्छा, वही 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, हमको आपसे दरख्वास्त है हमारे की 2-4 दिन हमको थोड़ा सा, 2-4 दिन क्या है, हम अंदर की बात भैया, सुनो आप कॉन्टेक्टर, आज 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 सुनो भाई, आज सोमवार है, आज ऑफिसर लोग आए रहेंगे, मेरे को आपसे शिकायत नहीं, ये किसने आदेश दिया है एक अच्छी जगह के ऊपर फिर से डाल रहे हैं, मुझे उसका जवाब चाहिए। अरे उठाले डाले कैसे, ये किसकी जगह है? अरे बाबा मुझे भी दिख रहा है जीसीबी है, मैं पकड़े का है, आपसे मेरी तकरार नहीं है, ये राजनीति का, इसको इतने साल 10 साल का गंदगी हटाया गया या फिर ला के गंदगी डाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये देखो कमिश्नर ने जितना भी भ्रष्टाचार आदेश दिया है इनसे एक दिन में सारे कोर्ट ने ऑर्डर हुआ है, तो ये चीज आपसे नहीं है, तो अगर आज इसको उठा लो कल से यहाँ डालो मत। अभी आपने जो कहा है हम अभी जाएंगे साहब के पास, गंदगी करने वाले ऊपर FIR होता है। अरे उठा क्या रहे तुम शहर के बाहर भाई, पहले डाले फिर उठा रहे, फिर वैसे ही बनाना चाहते, शहर के बाहर डम डालो ना, एक बात तुम गली से गली मोहल्ले से बापू भाई तुम गली मोहल्ले से कचरा निकाल के लाए मेन रोड पे पटक दिए, अरे उसको लेके जाओ ना, डंप करो ना दूसरे जगह पे, जहाँ जगह मिला वहाँ डालो। ये देखो नाक बंद करके सब जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि नहीं परेशान हो रहे हैं ये लोग? अभी हम लोग जा रहे हैं म्युनिसिपैलिटी में,
और साहब लोग से बात करके जल्दी जल्दी खत्म कर डालेंगे, जल्दी जल्दी खत्म कर डालेंगे। आज कल फिर लाके डालेंगे, कल से होना चाहिए। मकर साहब, वो साहब को बोलो ये किसी के बाप की जगह नहीं है, सरकार की जगह है, ये जनता की जगह है। और मैं FIR करने की आज मांग कर रहा हूँ। अरे तुम भी खाली मांग कर रहे हो, कभी करा के FIR हटाए फिर ये लोग कर रहे। दादा दीदी है उनको बोलो क्यों डाल रहे। नहीं नहीं, इन्होंने जब कहा तो यहाँ कचरा और एक डाल रहा है, गाड़ी में गलत है, नहीं डालने का, नहीं डालने का, गाड़ी में भरेगा। ठीक है बाबू भाई, तुम बोल रहे बड़ी गाड़ी में लेके जाएगा तो लाके डाल रही है, तो वही कचरा लेके जाएगा ना, यहाँ रखेगा नहीं। अरे बापू मकर तो मतलब कितना कितने अंदर प्लॉट खाली पड़े हैं, ये जो आप अंदर कितने प्लॉट खाली पड़े हैं ना, वाटर बीच चोट पे डाल के जाने की अभी हम लोग है, यहाँ से पूना जाने वाली गाड़ी, उनका बाहर जाने वाली गाड़ी यहाँ से जाती है ना, अब वो बदबू दूसरे में जाती है मुमरा का। आप सोचे ना क्या मुमरा का नाम खराब होता है। दो बजे के बाद में आप मेरे को इतना कचरा दिखा दो और सुबह 7 बजे फिर इससे ढेर लगा दो कचरे का। और ये जो एक भी इधर रिक्शा में जाने वाला आदमी बिना मुंह पे रुमाल रखे यहाँ से जा नहीं सकते। जो भाई कह रहे हैं हमारे यहाँ कचरा गिरना नहीं चाहिए, हम आपकी म्यूनसिपालिटी में जाके मीटिंग करके ये कचरा बंद करने के। मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, ये कचरा नहीं हट रहा था, यहाँ के कुछ नगर सेवक NCP के लोगों ने समर्थन जो है प्राइवेट कचरा वाले के दिए थे कि ये हमारे शहर का कचरा है। वही बात ये बोल रहे हैं कि ये शहर का कचरा हम कहाँ डालें, अरे बीच रोड में डालेंगे क्या। तो मैं जो है इसके लिए हाई कोर्ट से नोटिस लिया था, उसके आधार पे ये यहाँ से हटा था और अच्छा बना था, अभी उसको फिर ये ख़राब किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम लोग आज कमिश्नर के पास जा रहे हैं, हमारी MIU की पूरी टीम, कि ये जो हो रहा है ये किसके आदेश से हो रहा है, यहाँ क्यों डाला जा रहा है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं। हम म्यूनसिपैलिटी में जा रहे हैं, साहब लोग से मिलेंगे और ये कचरा बंद करने का पूरा प्रयास। जब यहाँ आपको अधिकारियों ने कहा यहाँ कचरा डालो तो आप मना नहीं किए कि वहाँ पर विरोध हो रहा है, वहाँ फिर भेज रहे हो यहाँ पे, तो वो 2 दिन में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना जगह का। अगर जगह का प्रॉब्लम सॉल्व होता है 2 दिन में तो हमको क्या जरूरत। अच्छा पहले सॉल्व नहीं किए थे कचरा डालने के पहले वहाँ पे, डाल रहे थे वहाँ पे, तो वो जो मित्तल सेठ है और जो अपने PMC के ऑफिसर है उनमें कुछ अरे हमने हाई कोर्ट में गए। तो आपने सुना कि यहाँ पर ये एक बार फिर जो है कचरों का अंबार मुमरा शहर में मित्तल ग्राउंड पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बार फिर ये कचरों का अंबार लगाया जा रहा है और आने जाने वाले लोग इसी तरह से यहाँ से नाक बंद करके गुजरने पर मजबूर हैं। छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है इस तरह से लाके यहाँ पर कचरा डाल रही हैं और उसके बाद फिर बड़ी गाड़ी जो डंपर है वो आती है, फिर यहाँ से कचरा उठाकर लेकर जाया जा रहा है। हालांकि जो सुपरवाइज़र है बापू मकरे, उनका कहना है कि 2-3 दिन का जो है समय है, वो यहाँ पर कचरा डाल रहे हैं, उसके बाद अधिकारियों से बात हो जाएगी, फिर यहाँ कचरा नहीं डाला जाएगा। लेकिन सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि आखिर इस रोड पर कचरा डाला ही क्यों जा रहा है, यहाँ पर कचरा नहीं डालना चाहिए। काफ़ी दिनों के बाद जो है ये कचरा मुमरा की इस सड़क से यहाँ से हटवाया गया था, उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो आप देखेंगे कि ये गार्डन बनाया गया, लेकिन इस ये गार्डन भी जो है बेकार हो गया है, ख़राब हो गया है इसे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से गंदगी आप देखेंगे, गंदगी ये है और जो पेड़ पौधे लगाए गए थे ये भी सब जानवर खा के ख़त्म कर दिए हैं, और जो अवैध पार्किंग यहाँ पर इस तरह से बन गई थी, लेकिन अब एक बार फिर जो है यहाँ पर जो ऐसे इस तरह से छोटी छोटी गाड़ियाँ मुमरा शहर के कचरा लाकर यहाँ पर डाल रही हैं। और यहाँ पर अब फिर धीरे धीरे इसी तरह से ये अभी छोटा सा बना हुआ है, अगर 2-4 दिन में ये नहीं हटाया जाएगा तो फिर धीरे 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 ये पूरे एरिए में कचरे का अंबार जो है लग जाएगा और फिर यहाँ पर एक बार फिर लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, फिर जाके ये हटेगा। लेकिन लोग सवाल यही कर रहे हैं कि ये कचरा रोड पर यहाँ पर जो डाला जा रहा है, इस तरह से कचरा यहाँ पर नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी भी शहर में फैल रही है और जो दूसरे शहरों के लोग यहाँ से गुजरते हैं वो मुमरा, जो संघाई मुमरा और खूबसूरत मुमरा का दावा किया जाता है, वो इस तरह से रोड पर ही पड़े हुए कचरे को देखकर मुमरा के हालात को समझ लेते हैं कि आखिर मुमरा में किस तरह की गंदगी है और क्या हालात मुमरा शहर की है।